भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जम्मू दे सारे वासी की मेरी तरफा हाथ जोड़िए नमस्कार। इसको बंद कीजिए, बंद कर, आवाज आ रही है। डुग्गर के आप सभी शूरवीर और देशभक्त परिवारजनों के बीच आकर मन प्रसन्न हो जाता है, एक नई प्रेरणा से भर जाता है। इस धरती ने महाराजा हरि सिंह, महरचंद महाजन और पंडित प्रेमनाथ डोगरा जैसे महान महान लोग देश को दिए हैं। इस धरती ने देश की रक्षा के लिए खुद को न्योछावर कर देने वाली अनेक संतानें दी है। मैं महान विरासत की इस धरती को नमन करता हूं। आज शहीद वीर सरदार भगत सिंह की जन्म जयंती भी है। देश के करोड़ों युवाओं की प्रेरणा भगत सिंह जी को भी मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, जम्मू की ये सभा इस विधानसभा चुनाव की मेरी आखिरी सभा है। मुझे बीते हफ्तों में जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जाने का अवसर मिला है। जहां भी गया वहां भाजपा को लेकर अभूतपूर्व उत्साह दिख रहा है। जम्मू कश्मीर के लोग कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के तीन खानदानों से त्रस्त है। लोग फिर वही निजाम नहीं चाहते जिसमें भ्रष्टाचार हो, नौकरियों में भेदभाव हो। जम्मू कश्मीर के लोग आतंक, अलगाव, खून खराबा अब नहीं चाहते हैं। यहां के लोग अमन शांति चाहते हैं। यहां के लोग अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहते हैं और इसलिए जम्मू कश्मीर के लोग भाजपा सरकार चाहते हैं। साथियों, पिछले दो चरणों में भारी मतदान ने जम्मू कश्मीर की जनता का मूड बता दिया है।
दोनों चरणों में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग हुई है। अब यहां भाजपा की पूर्ण बहुमत की पहली सरकार, सुनते हैं ना, पूर्ण बहुमत की भाजपा की पहली सरकार बनना तय है। और साथियों, मैं विशेष रूप से इस जम्मू क्षेत्र के लोगों से आज कहना चाहूंगा कि जम्मू क्षेत्र के लोगों के लिए इतिहास में पहले कभी ऐसा मौका नहीं आया है जो इस चुनाव में आया है। आज पहली बार जम्मू क्षेत्र के लोगों की इच्छा वाली सरकार बनने जा रही है। और ये तो मंदिरों की नगरी है, इस मौके को छोड़ना नहीं है, चूकना नहीं है। भाजपा की जो सरकार यहां बनेगी वो आपकी हर पीड़ा को दूर करेगी। जम्मू के साथ दशकों से जो भी भेदभाव हुआ है उसको भाजपा सरकार ही दूर करेगी। भाइयों और बहनों, 8 अक्टूबर को मां के नवरात्र के दिन नतीजे आएंगे। और हम सब तो माता वैष्णो देवी की साया में पले बड़े हैं, और 12 अक्टूबर को विजयादशमी है। इस बार की विजयादशमी हम सभी के लिए शुभ शुरुआत वाली होगी। जम्मू हो, सांबा हो, कठुआ हो, चारों तरफ एक ही नारा गूंज रहा है, जम्मू की यही पुकार आ रही है भाजपा सरकार, जम्मू की यही पुकार, जम्मू की यही पुकार, जम्मू की यही पुकार। साथियों, इस चुनाव में जम्मू कश्मीर एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। बीते दशकों में यहां सिर्फ कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता और उनके परिवार बस वो ही फले फूले। आपके हिस्से तो सिर्फ और सिर्फ तबाही आई। ये जो हमारी पीढ़ियां बर्बाद हुई है, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। आजादी के बाद से ही कांग्रेस की गलत नीतियों ने
आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही दी है। जम्मू का बहुत बड़ा हिस्सा बॉर्डर से सटा है। आप वो दौर याद कीजिए जब सीमा पार से आए दिन गोले बरसते थे, आए दिन मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलती थी, एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन, उधर से गोलियां चलती थी और कांग्रेस वाले सफेद झंडा दिखाते थे। लेकिन जब भाजपा की सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया तो उधर वालों के होश ठिकाने आ गए। साथियों, आपको याद होगा आज 28 सितंबर है, साल 2016 में आज की रात, 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है, आतंक के आकाओं को पता है अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। लेकिन साथियों, आपको कांग्रेस का रवैया कभी भी भूलना नहीं है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमारी फौज से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। कांग्रेस वो पार्टी है जो आज भी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान की भाषा बोलती है। आप मुझे बताइए, क्या कभी भी आप ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हैं क्या? माफ कर सकते हैं क्या? साथियों, देश के लिए मर मिटने वालों का कांग्रेस कभी सम्मान नहीं कर सकती। यही कांग्रेस है जिसने चार दशक तक हमारे फौजी परिवारों को वन रैंक वन पेंशन के लिए तरसाया। कांग्रेस ने हमारे फौजियों से झूठ बोला। ये कहते थे कि वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी से खजाने पर बोझ पड़ेगा, लेकिन मोदी ने फौजी परिवारों के हितों के आगे कभी भी
खजाने को नहीं देखा है। और इसलिए 2014 में सरकार बनने के बाद हमने ओआरओपी लागू किया। अभी तक फौजी परिवारों को 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक मिल चुका है। हाल में हमने ओआरओपी को रिवाइज भी किया है, जिससे फौजी परिवारों को और ज्यादा पैसा मिलना तय हुआ है। साथियों, आज की जो कांग्रेस है वो पूरी तरह अर्बन नक्सलियों के कब्जे में है। जब विदेशों से घुसपैठिए यहां आते हैं तो न जाने क्या कारण है, कांग्रेस को अच्छा लगता है। उनमें इनको अपना वोट बैंक दिखता है, लेकिन अपने ही लोगों की पीड़ा पर ये उनका भद्दे तरीके से मजाक उड़ाते हैं। साथियों, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ये संविधान के सबसे बड़े दुश्मन है। इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, उस संविधान की स्पिरिट का गला घोंटा है। आप देखिए, यही जम्मू में कई कई पीढ़ियों से रह रहे अनेक परिवारों को वोट देने तक का हक नहीं था। उन्हें इस हक से किसने वंचित किया? कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने किया है। अब भाजपा ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के स्पिरिट का सम्मान करते हुए ये अधिकार अपने इन भाई बहनों को दिया है। पश्चिम पाकिस्तान और पीओके से आए हमारे बहन भाई, हमारे गोरखा साथी, हमारे वाल्मीकि परिवार देश के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अनेक पीढ़ियों से इनको दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर मजबूरन जीने के लिए छोड़ दिया गया। कांग्रेस और उसके साथियों के इस पाप को क्या कभी भी भुलाया जा सकता है? साथियों, भारत के संविधान ने लोकल बॉडीज की व्यवस्था बनाई है, लेकिन संविधान के इन दुश्मनों ने जम्मू कश्मीर में पंचायत, बीडीसी और डीडीसी के चुनावों को भी रोक रखा था। संविधान के तहत शेड्यूल ट्राइब के लिए सीटें आरक्षित होती हैं, लेकिन कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी ने जम्मू कश्मीर के कमजोर तबकों को ये हक नहीं दिया। भाजपा सरकार ने ही संविधान में दर्ज ये हक दिए हैं। आज देखिए, जम्मू रीजन की 6 सीटें
एसटी के लिए रिजर्व है, इसे गुजर बकरवाल पहाड़ी समुदाय ऐसे हमारे अनेक समाजों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। जिन साथियों को ये हक मिले हैं वे अब खुलकर भाजपा की सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत से वोट दे रहे हैं। भाजपा पर भरोसा का ये फिक्स डिपॉजिट हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। इस पूंजी की रक्षा में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। साथियों, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी के कारण जिनको भी गांव लगे हैं उनका मत मजहब कोई भी हो, भाजपा हर गांव पर मरहम लगाने में जुटी है। भाजपा ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए टीकालाल टपलू स्कीम की घोषणा की है। विस्थापितों के पुनर्वास के साथ साथ उन्हें जो आर्थिक सहायता मिलती है उसको बढ़ाने का भी वायदा भाजपा ने किया है। साथियों, आज जम्मू कश्मीर में आ रहे बदलाव से कांग्रेस, एनसी और पीडीपी वाले भड़के हुए हैं। इन्हें आपका विकास पसंद नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनी तो फिर वो पुराना सिस्टम लाएंगे, ये फिर वो भेदभाव वाला निजाम लाएंगे, और जिसका सबसे बड़ा शिकार हमारा ये पूरा जम्मू रीजन रहा है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी ने जम्मू के साथ हमेशा अन्याय किया है। ये तुष्टिकरण के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप इनके भाषणों को सुनिए, कैसे डोगरा विरासत पर ये हमला करते हैं। महाराजा हरि सिंह को बदनाम करने के लिए ये कैसे कैसे लांछन लगाते हैं। देश का सबसे भ्रष्ट परिवार कांग्रेस का परिवार डोगरा राज को भ्रष्ट बता रहा है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, जम्मू क्षेत्र के लोग मुझे बताइए, क्या ये आरोप आपको स्वीकार्य है? स्वीकार्य है? साथियों, भाजपा जम्मू के साथ हुए ऐतिहासिक भेदभाव को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। बीते 10 सालों में जम्मू को आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे बड़े संस्थान मिले। कठुआ और सांबा जिले के कंडी क्षेत्र में भी नई सड़कें बनवाई जा रही है। चत्तरगला टनल बनने से कठुआ और डोडा की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। कांग्रेस बॉर्डर के गांवों को आखिरी गांव मानती थी, भाजपा ने इनको पहला गांव बनाया है। अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमा से सटे गांवों का विकास किया जा रहा है। यहां
जम्मू रिंग रोड पर भी तेजी से काम चल रहा है। इससे यहां जाम की समस्या तो कम होगी ही, आसपास की तहसीलों के दर्जनों गांवों को फायदा होगा। साथियों, आज जम्मू की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें चलने लगी हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है। जम्मू एयरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है। भाजपा सरकार ने बाह किले से महामाया मंदिर तक रोपवे को भी शुरू किया है। जम्मू रीजन में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक स्थानों को विकसित किया जा रहा है। गराना वेटलैंड्स, सुरिनसर झील और बीएसएफ चुंगी पोस्ट में हो रहा काम आपके सामने है। यहां जब तभी रिवर फ्रंट बनकर तैयार हो जाएगा, जब तभी के किनारे आरती होगी, तो सबके लिए कितना मनोरम दृश्य होगा। साथियों, इलाज हो, मेडिकल की, पैरामेडिकल और नर्सिंग की पढ़ाई हो, इसको लेकर तो जम्मू में अभूतपूर्व काम हुए हैं। विजयपुर में एम्स बन चुका है, यहां स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट भी शुरू हो चुका है। हड्डियों से जुड़ी बीमारी के इलाज के लिए इतना बड़ा और आधुनिक अस्पताल यहां बना है। कठुआ में मेडिकल कॉलेज बनने से एक बहुत बड़े इलाके को सुविधा हुई है। यहां बहुत सारे नर्सिंग कॉलेज भी बनाए गए हैं। आने वाले समय में जम्मू के विकास के काम और तेज होने वाले हैं। साथियों, मैं यहां के व्यापारी कारोबारी समाज को, हमारे नौजवानों से भी कहूंगा कि आने वाला समय आपके लिए भी अवसरों से भरा हुआ समय है। हमारा प्रयास है कि जम्मू में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, यहां नए कारखाने लगे, ताकि नौजवानों को यही अपने अपने जिलों में ही रोजगार मिले। इसके लिए भी जम्मू कश्मीर भाजपा ने अनेक बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। हमने सरकारी भर्तियों में भी पारदर्शी व्यवस्था बनाई है। पहले सिर्फ उन्हीं को नौकरी मिलती थी जो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी के खास होते थे। अब इस पुराने सिस्टम को फिर से लौटने नहीं देना है। पुराने सिस्टम की बंदिशों को तोड़कर अब जम्मू कश्मीर में हर नौजवान को उसका हक और सम्मान मिलेगा। साथियों, भाजपा का प्रयास है कि माताओं, बहनों, बेटियों का आर्थिक सशक्तिकरण हो। हमारा प्रयास यह है कि परिवार की कमाई में माताओं, बहनों, बेटियों का योगदान बढ़े। इसलिए हम बहनों के सेल्फ हेल्प ग्रुप को मदद दे रहे हैं।
हम जम्मू कश्मीर की बहनों को लखपति दीदी बना रहे हैं। बहनों को खेती के लिए ड्रोन पायलट बनाने की भी बड़ी योजना शुरू की है। इससे जम्मू की अनेक बहनों को ट्रेनिंग भी मिलेगी और सरकार से ड्रोन भी मिलेगी। जम्मू कश्मीर भाजपा ने माताओं बहनों के खाते में भी हर महीने हजारों रुपये जमा करने की घोषणा की है। साथियों, इलाज का खर्च जीरो, बिजली का बिल जीरो और अतिरिक्त बिजली से कमाई, ये भाजपा का संकल्प है और इसलिए यहां हर परिवार को गोल्डन कार्ड की सुविधा मिली है। मैंने सोशल मीडिया पर यहां के एक बुजुर्ग की बातें सुनी है। वो बता रहे थे कि गोल्डन कार्ड से उनका 3 बार ऑपरेशन हो चुका है और उनके बेटे का भी मुफ्त इलाज हुआ है। गोल्डन कार्ड से उनका जीवन भी बच रहा है जो महंगा इलाज करा ही नहीं पाते थे। मुझे खुशी है कि अब जम्मू कश्मीर भाजपा ने मुफ्त इलाज की रकम को बढ़ाकर 7 लाख रुपए करने का वायदा किया है। साथियों, आपका सेहत पर होने वाला खर्च तो बच ही रहा है, हम आपका बिजली का बिल भी जीरो करना चाहते हैं। मुफ्त बिजली नहीं, बिजली से कमाई भी हो, ये व्यवस्था हम कर रहे हैं। ये सब कुछ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से होगा। पहले आपको छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए 80,000 रुपये तक की मदद सरकार देगी। जिससे बिजली बनेगी, बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। इतना ही नहीं, जो अतिरिक्त बिजली बेचेंगे, हर परिवार को औसतन 25 से 30 हजार रुपया बचने वाले हैं। साथियों, मैं जानता हूं 60-65 सालों में इस पूरे क्षेत्र की ऐसी बर्बादी की गई है, ऐसी तबाही की गई है। विकास तो छोड़ दीजिए, जीवन के हर क्षेत्र में गड्ढे ही गड्ढे हैं, खाई बन गई है। लेकिन आपको ये बता दो, जीवन के हर क्षेत्र के इन गड्ढों को भरने के लिए मोदी पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है। आपकी हर इच्छा, हर जरूरत को पूरा करने के लिए मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला अस्थाई है। जम्मू कश्मीर को भाजपा ही है जो पूर्ण राज्य बनाएगी। आप हमारे इन सभी साथियों को भारी मतों से जिताकर भेजिए, सभी उम्मीदवार आगे आ जाएं।
ये सभी आपके प्रतिनिधि बने, ये सभी आपके सपनों को साकार करें, इसके लिए आपके आशीर्वाद चाहिए। आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए, हमें आशीर्वाद दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।